ऑल इंडिया अमन और इंसाफ़ कॉन्फ्रेंस के सभी ऑर्गेनाइज़र साथियों का ख़ास तौर पर जिनकी सदारत में ये कार्यक्रम हो रहा है ऐसे इस कार्यक्रम की सदारत और पूरे मुल्क में अमन और इंसाफ़ की लड़ाई लड़ने वाले हमारे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब इस मंच पर उपस्थित सारे सम्मान्य साथी और केवल जयपुर या राजस्थान से नहीं तो पूरे देश से आए हुए सारे मेरे भाइयों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब इस देश में पूरी ताकत लगाई जा रही है कि इस देश के हालात बिगाड़े जाए इस देश के अमन को बिगाड़ा जाए और इस देश के अंदर एक नफ़रत का एक जहर जहर घोलने का काम जब चल रहा हो कि नहीं इस देश के अंदर अमन और इंसाफ कायम रहेगा और उस अमन और इंसाफ को कायम रखने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको हम लड़ने के लिए तैयार है मैं आप सभी साथियों के हौसले को और ये जो ताकत यहाँ पर आपने दिखाई है ये अपने आप में सबूत है कि नफ़रत फैलाने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते जहाँ दिलों को जोड़ने वाली मसावात की मानने वाले लोग हो वो इन लोगों के हौसलों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे ये आप लोगों के अंदर का ये जज्बा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस देश के अंदर नफरत घोलने का काम लगातार कर रहे वो कितना भी नफरत घोलने का काम करे मगर समाज के अंदर कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर की इंसानियत को इस देश की मानवता को इस देश की खूबसूरती को कायम बना के रखना चाहते हैं और इस देश के संविधान को दस्तूर को मानकर उसके अंदर रहकर इस देश के अंदर एक नई लहर एक नई चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं इसलिए मैं आप सभी साथियों को फिर से एक बार आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं साथियों इस देश के अंदर के माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ये कोई आज की, की हुई कोशिश नहीं है पिछले कई सालों से लगातार हम इस बात को देख रहे हैं हिजाब से लेकर हलाल तक मस्जिदों पर लगे हुए स्पीकर से ले कल जो नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल के तरफ से जो कहा गया ये सारा एक सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश के तहत चलाया जा रहा है और ये करने वाले लोग अमन चाहते हैं इस देश के अंदर एक इंसाफ कायम करना चाहते हैं तो उस करने के लिए कौन लोग अवरोध है या किसके द्वारा इस देश का अमन और इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इसको जानने की जरूरत आज न केवल दिन इस देश का दस्तूर भी खतरे में है दिन और दस्तूर दोनों को खतरे में लाने वाले वही लोग हैं जो इस देश के अंदर कोई मसावाद लाना नहीं चाहते इस कार्यक्रम में जब आया तो शुरुआत कहां से करूं इस बात की समस्या थी कि कुछ दिनों पहले केवल मूछ रखने के लिए एक व्यक्ति की हत्या की जाती उससे शुरू करें या आज से सात साल पहले इसी राजस्थान के नागौर जिले में 30 मई 2015 को एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी को अब्दुल कुरेशी जी को अपने ही दुकान के सामने पीट पीट कर मारा जाता है वहां से शुरू करें कितने नाम गिनाए नजीब का गिनाए पहलू खान का गिनाए मोहम्मद अखलाक का गिनाए कितने नाम है यह नाम केवल मुसलमानों की तरफ से नहीं है इस देश के शेड्यूल कास्ट के आदिवासियों के पिछड़े वर्गों के बहुत सारे ऐसे नाम हैं और ये सारा जो मामला है वो इस देश के सारे मजलूमों के साथ हो रहा मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा केवल राजस्थान के कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा राजस्थान के हल रखूंगा केवल मात्र पिछले तीन सालों में इसी राजस्थान में शेड्यूल कास्ट और आदि मतलब यहां एस यह सी के ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई है इक्कीस हजार से ज्यादा केसेस पुलिस थाने में रजिस्टर हुई है तीन सालों में लगभग 234 हत्याएं हुई है यानी हर हफ्ते में कम से कम दो हत्याएं हुई है इस देश के अंदर इस राजस्थान में केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों की लगभग 1600 सो बलात्कार की घटनाएं हुई है हर हफ्ते 12 खातूनों का जो एससी की एस की जो महिलाएं हैं, बारह खातूनों का बलात्कार हुआ है ये आंकड़े पूरे देश भर क्या उठाकर देख लीजिए ये बहुत ज्यादा गंभीर है कि ये केवल मुस्लिमों के साथ नहीं हो रहा प्रपोगंडा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा मगर उस हिंदू राष्ट्र की असली तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए कि क्या हो रहा है छ रखने पर मारा जा रहा है घोड़ी पर बैठने की वजह से मारा जा रहा है कल तक गाय के साथ रिश्ता था वो पता था अब घोड़ी के साथ में क्या रिश्ता है, अभी तक पता नहीं चला फिर भी घोड़ी के नाम पर भी लोगों को मारा अब चलो गाय के साथ आपने रिश्ता बता दिया घोड़ी के साथ में क्या वो बता देते मामला हल हो गया होता घोड़ी भी खड़ी हो गई तो घोड़ी पर बैठने की वजह से मारा जा रहा है ये हालात केवल राजस्थान के नहीं है ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा हकीकत में क्या है उस बात को हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है अगर इस बात को हम नहीं जानेंगे तो साथ इस देश के अमन के दुश्मन कौन है ये पता नहीं चलेगा बगैर बेदारी के अगर हम इत्याद करना चाहेंगे तो बगैर बेदारी के इत्याद नहीं हो सकते कौन है इस देश के अंदर के मजलूम इस देश का जो असली मजलूम है वो एस सी एस ओबीसी है मगर इस यस सी एस ओबीसी को जिसको संविधान दस्तूर और एस सी एस ओबीसी कहता है उसको हिंदू के नाम पर प्रोपोगेट करने का काम हो रहा है ये जो सारा माहौल कम्युनल निजाम जो भारत में बनाया जा रहा है उसके पीछे यही एक सोच है इस देश की सबसे बड़ी अकलियत अगर कोई है तो तीन परसेंट ब्राह्मण है ब्राह्मण संख्या के बलबूते पर कभी भी इस देश के शासक नहीं हो सकते हिंदू बनने का एकमात्र तरीका उन्होंने ढूंढा है कि इस देश के अंदर फसाद हो जब भी राइट्स की बात चलती है तब इस देश में राइट्स करवाए जाते और लगातार उस बात को प्रचार करने के लिए वो कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या है हकीकत मोदी जी ने दिन रात मेहनत करके इस देश के बैकवर्ड लोगों की एस सी की इतनी ताकत मजबूत करके रखी है कि जो आदमी एक साथ अपने गाड़ी में दो लीटर पेट्रोल डालने की औकात नहीं रखता जो आदमी दो किलो प्याज एक साथ खरीदने की औकात नहीं रखता वो फेसबुक पर कश्मीर में प्लॉट लेने की पोस्ट डालने में लग गया जिसकी एक साथ गाड़ी में दो लीटर पेट्रोल डालने की औकात मोदी ने नहीं, नहीं रखी ये बैकवर्ड लोगों को पता नहीं है मेरे घर का जब काम चल रहा था तो छत्तीसगढ़ के कुछ लेबर घर में काम कर रहे थे तो एक दिहाड़ी करने वाला जो मजदूर राजमिस्त्री के हाथ के नीचे काम कर रहा था उसको मिस्त्री मोदी मोदी कहकर पुकारते थे मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरी मोदी मेरे घर में काम कर रहा है कितना बड़ा होगा फिर मैंने उन मिस्त्रियों को पूछा कि भाई आप इसको मोदी मोदी क्यों कहते हो तो उन्होंने कहा सर इसका नाम मोदी नहीं उसका नाम नरेंद्र है मैंने कहा फिर इसको मोदी क्यों कहते हो तो उन्होंने कहा अगर इसको मोदी कहे तो खुश होता है दो चार घमेले ज्यादा उठा लेता है थोड़ा ज्यादा काम कर लेता है, पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे खुश होकर काम करता है फिर उसको अकेले में पूछा तुझे क्या मिलता है बोले उतना ही चल जा खुश हो जाता है मोदी का नाम लेते ये हालात हमारे देश के है जिसको सामने रखकर ये चलाया जा रहा है वो बैकवर्ड लोगों को सी एस के लोगों को पता होना चाहिए ये जो सारा कम्युनल निजाम बनाने की या बढ़ती हिंसा की जो घटनाएं की जा रही है साथियों इसके पीछे असल में ये है इस देश के जो शासनकर्ता लोग जो है वो ये जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं इस देश के जो लोग सत्ता के अंदर जो है जिन्होंने नाजायज तरीके से सत्ता पर कब्जा बना के रखे हुए है वो ये भली बात ही जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए ये कभी भी फट सकता है और लोगों का ध्यान सही मुद्दे पर जाए इस देश की सारी की सारी पिछड़ी जातियां आज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है तेरह महीने किसान सड़कों पर बैठे सात सौ से ज्यादा किसान शहीद हुए करोड़ों मजदूर लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर चलते हुए बेहाल हुए नगर उनमें से किसी भी चीजों का समाधान नहीं किया गया वो करना नहीं चाहते ना करे इसके लिए उन्होंने हालात पैदा कर दिए कि नॉन इश्यू में हमारे लोगों को एंगेज करके रखा जाए अब हमारे सामने साथियों एक ही रास्ता है अगर इस देश के अंदर हम अमन और इंसाफ कायम करना चाहते तो मजलूमों का एक एजेंडा बनना होगा इस देश के अंदर छह हजार जाति के जो लोग जाति के आधार पर तोड़े गए हैं उन सभी तोड़े गए मजलूमों को एक के साथ एक जोड़ने का काम करना होगा संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को रक्षा करने के लिए भी मजलूमों को एक साथ लिटकर खड़ा होना होगा सीएएनआरसी के विरोध में जिस तरीके से एकता का परिचय दिया उसी तरीके से साथियों आने वाले समय में खड़ा करना होगा मोहल्ला मोहल्ले में हमको कमिटियां बनानी पड़ेगी जब तक भाईचारे के लिए हम लोग साल के तीन सौ बैसठ दिन लगातार काम नहीं करेंगे तब तक ये काम बनने वाला नहीं है वो कितनी भी कोशिश करे इस बात को रोकने के रुकने वाला नहीं है स्टेशनों के कितने नाम बदल दे शहरों के कितने नाम बदल दे जब तक हरी बत्ती नहीं जलती ट्रेन स्टेशन से बाहर नहीं निकलती इस बात को ध्यान रखिए हमारी एकता ही इस देश के अंदर इंसाफ कायम कर सकती है इस मंच के माध्यम से साथियों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो संविधान ने दिए हुए अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजलूमों के अंदर इतिहाद पैदा करना होगा तभी इस देश के अंदर अमन और इंसाफ कायम होगा आपने मुझे सुना बोलने का मौका दिया इसलिए आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद